हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज जो कि एबीपीएस क्लर्क 2016 में पूछी गई थी। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बात की थी कि अब क्या आगे की वीडियोस होनी चाहिए, क्या टॉपिक्स होने चाहिए। तो आप लोग में से बहुत सारे, लगभग 90% लोगों ने कहा कि एबीपीएस क्लर्क को लेकर के अब सारी वीडियोस बननी चाहिए। तो मैं उसी पे पैटर्न पे आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसा मैंने कल कहा था कि सबसे पहले हम जो पुराने, मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं, जिससे हमको एक आइडिया मिलेगा लेवल का कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो उसी क्रम में आज मैं आपके सामने नंबर सीरीज सबसे पहले लेके आऊँ, क्योंकि 5 नंबर आपसे पूछे जाएँ तो आप को भी एक पता रहे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस छोड़े जा सकते हैं या फिर सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो पिछले साल क्या पूछा गया था वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं, क्लर्क के लिए वीडियोस मैं दूंगा अभी आपको, जो आपके मेंस के एग्जाम्स होने वाले हैं उनको लेकर के भी मैं आपको वीडियोस दूंगा। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्या थी ये सीरीज, क्या पैटर्न था। मतलब एक 5-6 क्वेश्चंस मैं आपको सामने यहाँ पे रखूंगा, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के सारा पैटर्न बना हुआ था। मतलब पैटर्न आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे बस नंबर बदल गए थे, हर एक शिफ्ट में बस वही पैटर्न आपके पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं और आगे कैसे पैटर्न पूछे जा सकते हैं इस पर भी हम आगे वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 9, 11, 16, 26, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 69। तो ये सीरीज आपको दी गई है, बीच में जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं कि यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, तो हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 9 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 11 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 16 और 26 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। और इसके बीच में कितना है नहीं पता, और यहाँ से कितना होगा नहीं पता। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 × 2 + 1 करें 5, लेकिन फिर आगे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, 5 × 2 कर रहे हैं 10 मिल जा रहा है। तो हम क्या करें, हम जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आए, मतलब ऐसा ना हो कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या है कि आप दो दो पैटर्न कर सकते हैं, एक तो इसके नीचे भी आप जा सकते हैं। ऐसे सोचिए कि 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर डिफरेंस है 3 का। 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो पता चल रहा है 5 का। अब यहाँ पे आपको कुछ सीरीज दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा नंबर है वो मिसिंग है, इस वजह से आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक कहते हैं अंदाजा लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कहीं यही बात तो सही नहीं हो रही कि जैसे 3 है फिर ये 5 हुआ, मतलब 2-2 का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर में कितने का डिफरेंस होगा? तो आप कहेंगे 7 का होगा। तो 7 का अगर डिफरेंस होगा तो 10 में 7 जोड़िए कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। मतलब 26 और 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर नंबर कितना मिलेगा? 26, 17, 7, 6, 13, 2, 1, 3, 1, 4, कितना मिल जाएगा? 43 मिलेगा। तो आप देखिए क्या जो पैटर्न आपने सोचा था वही फॉलो हो रहा है आगे भी। तो हम इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 9 का। तो 17 में अगर 9 जोड़े तो कितना आना चाहिए? 26। तो अगर हम 43 में 26 जोड़ें तो देखिए 16 मिलता है क्या? तो हाँ मिल जाएगा। मतलब जो आपने सोचा है वो एकदम सही हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है 3 है 5 है, हो सकता है कुछ और क्रम बन रहा हो जो आगे, मतलब यहाँ पे 7 ना हो रहा हो। तो उस केस में आप जब चेक करेंगे आगे का नंबर तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो किया है वो गलत है। अगर आप चेक नहीं करते केवल यहीं तक रुक गए, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पे 50-50% चांस है सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक तो तरीका हुआ, इस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इसी सेम, मतलब जैसे यहाँ पे डिफरेंस है, इसको लेकर के एक सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, स्क्वायर वाली। स्क्वायर जैसे यहाँ पे 2 है, मतलब हम यहाँ पे कह दें कि ये 3, 5, 7 हम नहीं कर रहे थे, इसको भूल जाइए। आप जरूरी नहीं कि एक ही तरीका हो करने का, इसको भूल जाइए। तो 2 का मतलब हम क्या कह सकते हैं? 2 का मतलब हो सकता है 1 का स्क्वायर + 1। 5 का मतलब क्या हो सकता है? 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर + 1 करेंगे कितना मिलेगा? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 1, कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह 10 कैसे आ सकता है? 3 का स्क्वायर + 1, तो कितना हो जाएगा? 10। 3 का स्क्वायर 9 + 1, कितना? 10। तो आगे अगर आप सोचिए कि इसी तरह की सीरीज हो सकती है तो आगे भी वही होना चाहिए। तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर + 1। 4 का स्क्वायर 16 + 1 = 17। और यहाँ पर वही 5 का स्क्वायर + 1। 5 का स्क्वायर 25 + 1 = 26। देखिए सारे नंबर आपको वही मिल रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इस पिरामिड लेवल पे जाकर के 2 लेवल नीचे जा सकते थे और वहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे, या फिर अगर आपको ये समझ में आ गया था कि ये स्क्वायर वाली सीरीज भी आपकी बन सकती है तो इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बताया है। ओके, मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है 4 है 10 है 33 है, फिर कितना हो गया? 136 हो गया है। अब इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, 1 डिजिट 2 डिजिट फिर कैसे 3 डिजिट हो गया, मतलब क्या है कि नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं।
तो कैसे बढ़ सकते हैं तेजी से नंबर जब यहाँ पे कुछ ना कुछ गुणा हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो हम समझते हैं कि 3 से हम 4 कैसे बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 1 करें प्लस 1 कर दें तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 से 10 कैसे बना सकते हैं, तो 4 में गुणा करें 2 का और 2 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। एक लॉजिकल वे में आगे बढ़ रहे हैं, 10 से 33 कैसे बना सकते हैं, तो हम यही करेंगे कि 10 में अब 3 का गुणा करें प्लस 3 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। 33 से 136 कैसे बन सकता है, तो 33 में हम 4 का गुणा करें और 4 जोड़ दें तो 33 में 4 का गुणा करें कितना मिलेगा, 132 प्लस 4 136। तो ये क्रम आपका देख रहे हैं कि एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, मतलब जितने का गुणा कर रहे हैं उतना ही हमको जोड़ना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 होगा। मतलब आप क्या करेंगे, 136 में 5 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे। 136 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं करना, बस 136 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा, 680 प्लस 5, कितना, 685 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे आप देखेंगे कि जब भी नंबर आपके बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो आप देखिए वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब नंबर बहुत तेज़ी से बढ़े। अगर तेज़ी से कम हो रहे हैं नंबर, मतलब पहले 4 डिजिट दिया गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, ऐसे है, तो वहाँ पर क्या होता है, डिवाइड होता है। तो दोनों ही तरीके को आप समझ करके रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 21 है, 24 है, 32 है, 45 है, 63 है, क्वेश्चन मार्क। नंबर बढ़ नहीं रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, इसका मतलब यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं। 21 और 24 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखिए तो वो डिफरेंस आता है 3 का। 24 और 32 में कितने का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आ रहा है 8 का। 32 और 45 में कितने का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आ रहा है 13 का। 45 और 63 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखिए तो कितने का आएगा, आ जाएगा 18 का। अब यहाँ पे कुछ क्रम बन रहा है क्या, तो ऐसा नहीं, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, मतलब गुणे में नहीं हो रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब हम एक लेवल और नीचे जाएं। तो देखें कुछ यहाँ पे प्राप्त होता है क्या, ऐसे ही आपको करना है, एक लेवल आप नीचे जाइए तो आपको क्या समझ में आएगा, 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 8 और 13 के बीच में कितने का है डिफरेंस, 5 का। 13 और 18 में कितने का है, 5 का। मतलब जो दूसरे लेवल पे डिफरेंस है उस सब में क्या है, 5 5 का बराबर है। तो नेक्स्ट लेवल पे भी डिफरेंस कितने का होगा, 5 का। तो 18 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 23। 23 में 63 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8, कितना गया, 86। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 86। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए 6 है, 3 है, 3 है, 6 है, 24 है। जब भी इस तरह की सीरीज आपको देखने को मिले जहाँ पे क्या हो कि नंबर बड़ा हो, फिर छोटा हो, फिर बड़ा हो, छोटा हो, तो एक बार आप अल्टरनेट सीरीज को ट्राई करिए। और यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलता है इस तरह की सीरीज, देखिएगा कि नंबर बड़ा हो, फिर छोटा हो, फिर बराबर हो, इस तरह से आगे बढ़े, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुणे वाली सीरीज आपकी फॉलो होती है। मतलब 0.5 का गुणा लगभग यहाँ पे स्टार्ट होता है, इस तरीके की सीरीज ये रहती है। जैसे 6 से आप 3 पे कैसे जा सकते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा, 6 में अगर हम 0.5 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 से 3 पे कैसे जा सकते हैं, तो 3 में हम 1 का गुणा कर दें तो 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी ये नहीं समझ में आता कि 0.5 में हमने 0.5 ऐड किया या फिर 0.5 में 2 का गुणा किया। तो नेक्स्ट सीरीज हम देखें क्या है, 6 लाना है, तो 6 कैसे ला सकते हैं, 3 में हम 2 का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, 6। मतलब यहाँ पे हर एक स्टेप में हम 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और जो आ रहा है उस पर हम गुणा कर रहे हैं। 6 में 24 कैसे ला सकते हैं, तो 6 गुणे में अब क्या करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 24। ओके, नेक्स्ट हम ट्राई करें, नेक्स्ट क्या होगा, 24 और गुणे में। यहाँ पे ज़्यादातर लोग थोड़ा सा गलती क्या कर देते हैं, देखते हैं 1 है, 2 है, 4 है और यहाँ पे 5 कर देते हैं, फिर आंसर आ जाता है 120, और अगर ऑप्शन में रहता है तो उसको टिक करके आ जाते हैं। ये थोड़ा जल्दीबाजी वाली गड़बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, 4 में कितने का गुणा करना है, 4 में भी 2 का गुणा करेंगे, 8 मिलेगा, तो 24 गुणे 8 करना है आपको। ध्यान रखिएगा, ना तो 5 ना तो 6, ऐसे में सोचिएगा 0.1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो 6 कर दें, 5 कर दें, 8 का गुणा करेंगे। 8 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 चौक 32, 8 दुनिया 16, 3 19, 192। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या जाएगी, 192, उसे ही आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है 7 है, 10 है, 16 है, 28 है, फिर यहाँ पे 100 हो गया है, बीच में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये क्या हो सकता है, क्या वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ट्राई करें हम डिफरेंस निकालने की, तो यहाँ पे 7 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ जाता है 3 का। 10 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो वो है आपका 6 का। 16 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो वो आपको प्राप्त होता है कितने का, 12 का।
नेक्स्ट कितना है नहीं पता, और उसके बाद का कितना है नहीं पता। तो आपको एक लॉजिकल क्रम दिख रहा है क्या? 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 6 में 2 का गुणा करेंगे 12। तो नेक्स्ट हम ऐसे ट्राई करते हैं, जरूरी नहीं सही हो, ट्राई करें कि 12 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 24 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 48। तो हम देखें क्या ये क्रम बनता है। तो अगर हम 24 और 28 को ऐड करें तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, 24 और 28 को ऐड करने पर 8 4 12, 2 2 1 4 1 5, कितना मिल जाएगा 52। और 52 में 48 अगर ऐड करें तो कितना मिल जाता है, 100 ही हमको प्राप्त होता है। मतलब जो आपने सोचा वो एकदम क्या था, सही था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो वो नंबर में ना हो करके जो उनके बीच के डिफरेंस है उनमें होते हैं, तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर ये सही नहीं होता तो आप किसी और लॉजिक को ट्राई करते, देखते कि कुछ और लॉजिक बन रहा था कि नहीं। ओके, तो ये थे वो सारे क्वेश्चंस जो आपके पिछले साल पूछे गए थे, 2016 के एग्ज़ाम में, क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्री में। तो इसी के ऊपर आधारित बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो 15-20 क्वेश्चंस और थे, वो सब इसी पैटर्न पे ही आधारित थे। कुछ भी बदलाव नहीं था, नंबर्स को बस बदल दिया गया था, बाकी पूरा पैटर्न एकदम सेम टू सेम था। तो उसको चक्कर में आप मत पड़िएगा कि सारे क्वेश्चंस आप 15 से 20 करिए, कोई फ़ायदा नहीं। आपको एक लॉजिक समझना था कि किस लॉजिक पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ में गुणा था, जितना गुणा कर रहे थे उतना ही जोड़ रहे थे, कुछ में आपके 0.5 या किसी में 2 का मल्टीप्लिकेशन था, हर जैसे यहाँ पे देखिए तो हर सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, कहीं पर आपको मल्टीप्लाई करना था सीधे सीधे नंबर का, कहीं पर डिफरेंस लेना था, और कहीं पर आपको स्क्वायर प्लस वाली सीरीज भी देखने को मिल रही थी। मेरा अनुमान है इस बार थोड़ा सा पैटर्न इससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से टफ होगा पिछले साल की तुलना में। उस पर भी हम आगे वीडियोज़ बना करके आपको देंगे जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर हो सके। तो फिलहाल तो आपको बस यही ट्राई करना चाहिए। बाकी और जो वीडियोस हैं मेंस को लेकर के, जो नंबर सीरीज या फिर कह दूँ पजल वगैरह की, इंग्लिश के सेक्शन की रीअरेंजमेंट वगैरह, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, बस आप साथ में बने रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाएँ, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपके लिए कोई भी जो अपडेट हो मिस ना हो पाए आपसे, और आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।